आरपीपी ग्रुप टेक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे एक बार क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बराबर बेल आइकन जो आ रहा है वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये मोबाइल है जो कि बैटरी भी चार्ज है, सब कुछ ओके, लेकिन पावर की से देखिए ऑन करेंगे लेकिन फ़ोन जो ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। चार्जिंग पर भी लगा हुआ है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, इसकी जो कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करेंगे या लैपटॉप से, ठीक है। बैटरी लगा देंगे, डाटा केबल लगाएंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे। और देखिए इसमें ना ये सॉफ्टवेयर से डेड है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और स्क्रीन पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद देखिए फर्मवेयर अपग्रेड, तो इसका मतलब है ये इसके अंदर जो फ्लैश फाइल होती है वो डेड हो चुकी है और ये सिर्फ स्क्रीन आ रही है इसमें। तो इसको किस तरीके से ठीक करेंगे हम आपको बताते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर ईएमएमसी के लिए। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि ओडिन खोला है और हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक जो अभी दिखाया था, जो मैसेज आ रहा था वहाँ पर, और ओडिन के अंदर कनेक्ट हो चुका है। तो इसमें हम फाइल लगाएंगे, फोर फाइल लेंगे आप, ठीक है। जो भी नाम है फाइलों के वहाँ पे आपको फाइलें चेक करके लगानी है और देखते हैं इससे ओडिन से होगा या नहीं होगा। यदि ओडिन से होता है तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर हम दूसरे तरीका बताएंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप ईएमएमसी की, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कि पिट फाइल होती है उसको लगा देंगे और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। देखिए स्टार्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे और ऊपर मैसेज आ रहे हैं और फेल्ड हो चुका है, तो ये ओडिन से नहीं हो रहा। अब क्या तरीका है दूसरा, अब देखिए यहाँ पे कि मिरेकल का क्रैक खोल सकते हैं, आप मिरेकल खोल सकते हैं या आपके पास में जो भी डोंगल है उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से फाइल सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। एक बार में नहीं होगा, दोबारा में होगा, दो तीन बार में आपका ये सॉफ्टवेयर ले जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कि हो चुका है, तो ओके आ चुका है, तो हमारा फ़ोन जो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा मैसेज जो भी आ रहा है डन ओके ओके का आ रहा है, तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इसको हम देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक वहाँ से यहाँ पर आने के बाद में आपकी स्क्रीन पे मैसेज मिलेगा और आपको रीबूट नाउ पे पावर की को प्रेस करेंगे एक बार, तो फ़ोन रीबूट नाउ होगा। और देखिए यहाँ पे ये होने के बाद में आपकी स्क्रीन जो है आ जाएगी, तो हमारा फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। अब इतना होने के बाद में आपका फ़ोन ऑन तो हो गया, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और कभी कभी कोई भी फ़ोन नहीं बढ़ता तो आपको इसको फिर से ओडिन से एक फाइल से फ्लैश कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप मेरे यूट्यूब फ्रेंड बने, ऐसे ही मैं टेक्निकल वीडियो आपको देता रहूँगा।